मध्य प्रदेश में चुनावी साल के दौरान प्रशासनिक अफसरों की सर्जरी जारी है। ऐसे में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में हारते चुनाव को जीतने के लिए शिवराज सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। रातों रात चोरी छिपे रविवार के दिन क्यों 18 आईएएस के ट्रांसफर किए गए। प्रशासनिक जमावट चाहे जितनी कर ले, लेकिन इनकी सरकार जाने वाली है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हारते चुनाव को देख के हर कोशिश शिवराज जी और शिवराज जी के साथ अमित शाह जी में। 18 कलेक्टरों की क्यों यहाँ पे 18 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर करा गया, क्या जरूरत आन पड़ी कि आधी रात को चोरी छुपे जहाँ पे संडे की रात को कलेक्टरों को बदलने की जरूरत पड़ी। स्पष्ट है, कुछ कर लो सरकार जाने वाली है। प्रशासनिक जमावटें कुछ भी कर लो, पर प्रशासनिक अधिकारी भी समझ जाए, अगर चुनाव के हिसाब से गए हो तो इस मोड को बदल दें, क्योंकि चुनाव अभी आया है, फिर चला जाएगा और 3 महीने बाद फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। जिसने गड़बड़ करने की कोशिश करी उसे भी देखा जाएगा। स्पष्ट है, रोज मध्य प्रदेश में लूट चल रही है, चुनाव की जमावटें चल रही है और जनता के मूल मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकी हुई है सरकार।